Hi friends, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द कैल्शियम. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. तो पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय द हीटिंग ऑफ द लाइमस्टोन इन अ रोटेटरी किल एट अ टेम्परेचर ऑफ 1070 to 1270 केल्विन. तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे देन इट विल गेट डीकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, ये एक वाइट अमोर्फस सॉलिड होता है. क्रिस्टलाइन नेचर का नहीं है, ये अमोर्फस नेचर का है. और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज अराउंड 2870 केल्विन. अब अगर इसको आप एटमोस्फेयर में रखते हैं तो ये क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और CO2 के साथ भी ये रिएक्ट करता है. तो अगर ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम इसमें क्या करें, वाटर को ऐड कर दें, तो दिस विल ब्रेक द लंप ऑफ द लाइम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्लेकिंग ऑफ लाइम. तो अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर दोगे तो क्या होगा कि जो लम्ब्स हैं लाइम के वो ब्रेक हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम. क्विक लाइम दैट इज स्लेक विथ सोडा गिव्स सोडा सॉलिड सोडा लाइम. तो आप अगर इसमें क्विक लाइम में अगर सोडा डाल देते हैं, उससे उसकी ब्रेकिंग करते हैं, तो दिस विल गिव यू दी सॉलिड सोडा लाइम. एंड बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड, ये आपका कंबाइन कर सकता है विद दी एसिडिक ऑक्साइड इवन एट दी हाई टेम्परेचर. तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ रिएक्ट करता है एंड गेट्स कन्वर्टेड टू दी CaSiO3, और ऐसे ही ये P4O10 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो भी बना लेता है. अब इसके यूजेस क्या है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट एंड इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द अल्कली. तो ये आपका सीमेंट बनाने में काम आता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम द कॉस्टिक सोडा. NaOH से अगर आपको सोडियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म करना है तो उसमें भी ये हेल्प करता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द शुगर एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाई स्टफ्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैल्शियम ऑक्साइड. थैंक यू.